हेलो जी, रामनाथ जी। जी सर। जी, क्या प्रॉब्लम थी आपको और कितने समय से प्रॉब्लम थी रामनाथ जी आपको? हमको प्रॉब्लम थी करीब 7-8 साल से प्रॉब्लम। अच्छा। बाहर मस्से थे आपको, ये प्रॉब्लम थी ना? मस्से थे, उसी में से ब्लड आ रहा था। अच्छा। चलिए, पेट भी आपका साफ नहीं होता था अच्छे से ना? नहीं। अच्छा। अभी कैसी स्थिति है आपको या इन सब समस्याओं में? फिलहाल अभी तो ठीक चल रही है। अच्छा, चलिए सही है। बीच में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, बीच बीच में क्या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है? ब्लीडिंग। अच्छा, मैंने फोटो भेजी थी। ओके। देखिए, आपको थोड़ा सा ना B12 की कमी थी, ठीक है? उसकी वजह से एक विटामिन होती है B12, उसकी कमी थी, ठीक है? तो उसको बीच बीच में हमने आपको एक दवा लिखकर भेजी भी होगी, नहीं होगी तो हम भिजवा देंगे ना, उसकी 10 दिनों की दवा है, उसको खा लीजिएगा तो ये भी जो बीच बीच में प्रॉब्लम होती वो नहीं होगी, ठीक है? और भी इससे संबंधित जो सुझाव हैं वो हम आपको WhatsApp के माध्यम से भिजवा देंगे, ठीक है? जिससे ये आपको जो बीच बीच में प्रॉब्लम होती है ये नहीं होगी। मैंने एक फोटो भेजी थी जी, जी मस्से वाली जिसमें ब्लीडिंग आता था। हाँ, वो देखी हमने, 1 तारीख को आपने भेजी थी ना, 1 मई को। हाँ जी, वो हमने देखी है फोटो, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ, वो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ही हल्का सा बचा है स्वेलिंग, ठीक है? वो क्लियर हो जाएगी, बस प्रेशर नहीं लगाना है आपने आपको, और कोशिश करनी है कि B12 की कमी दोबारा नहीं हो अपने में, ठीक है? बट ये मेरा पेट कब खराब हो गया, जैसे दोपहर को खाना खाया। हाँ, दोपहर को खाना खाया, अगर शाम को मैं खाना खाता हूँ चाहे थोड़ा ही खाऊंगा ज्यादा, पेट साफ नहीं होगा सुबह, अगर शाम को नहीं खाता हूँ तो साफ होता है। अच्छा। चलिए हम इसके रिगार्डिंग भी आपको जो है देख के बता देंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए आपका केस को, ठीक है? और कुछ सुझाव भी हम आपको भिजवा देंगे, ठीक है? ठीक। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फाइबर वाला फूड और पानी को नियमित रूप से लेते रहिएगा, ठीक है? ठीक ओके। यदि आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।